दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। चिट्टे के साथ युवतियों समेत चार लोग गिरफ्तार। बारिश से गरीब के घर को खतरा, कमरों में आई दरारें। सोलन के पुराना बस स्टैंड में जगह जगह गंदगी, बदबू से परेशान लोग। मंडे के 80 कृषि इनपुट डीलरों को मिला ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। और अब खबरें विस्तार से। जिला कुल्लू के भुंतर में पुलिस ने हेरोइन के साथ युवतियों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई जारी रखी है। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि कुल्लू पुलिस की विशेष टीम ने कार सवार दो युवक और दो युवतियों से हाथी थान भुंतर में 52 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है। ये गाड़ी में नशे की खेप को ले जा रहे थे। एसपी ने बताया कि हाथी थान में नाका लगाकर गाड़ी को रोककर गाड़ी की चेकिंग के दौरान गाड़ी में छुपाई हेरोइन की खेप बरामद की है। एसपी ने बताया कि हेरोइन के साथ पकड़े गए लोगों में दो पुरुष हैं जो जिला कुल्लू के ही हैं, जबकि एक युवती भी जिला कुल्लू और एक महिला हमीरपुर जिला की है। बीते दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से उप तहसील कटौला के अंतर्गत आने वाली पंचायत शेगली में एक गरीब परिवार स्वारू राम के घर के आगे डंगा गिरने से घर को खतरा बन गया है और दो कमरों की दीवारपण में दरारें आ गई हैं। ग्राम पंचायत शेगली के प्रधान विमला देवी का कहना है कि स्वारू राम के घर जाकर मौके की रिपोर्ट बनाकर खंड विकास अधिकारी को भेज दी गई है। प्रभावित परिवार को फौरी राहत के तौर पर तिरपाल दी गई है और शेगली पटवारी को राहत प्रकरण की रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। पुराना बस स्टैंड सोलन में जगह जगह कूड़ा पड़े होने से संक्रमण के फैलने का खतरा यहां पर दुकान कर रहे लोगों पर मंडरा रहा है। लोगों द्वारा यहां कचरा डस्टबिन की जगह कहीं भी फेंक दिया जाता है, जिससे यहां हर समय बदबू रहती है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम या तो इस डस्टबिन को उचित रूप से लगाए या यहां से हटा दे। दुकानदारों का कहना है कि यहां फैली गंदगी व बदबू के चलते दुकान पर खरीदारी करने आए ग्राहक भी खाली हाथ लौट जाते हैं। प्रॉपरली ढंग से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा यहां पे, जिसकी वजह से बड़ी भारी स्मेल है। जो भी कोई यहां पे एक कस्टमर आता है वो आके यही स्मेल करता है। हमारे को ये पूछता क्या बात, यहां कूड़ादान नहीं है, कुछ नहीं है। डस्टबिन है सामने, तो कहते यार वहां सफाई तो हो नहीं रखी, तो कहते आप लोग कैसे बैठते हो। कहते हमारी तो मजबूरी, हम छोड़ के कहाँ जाएँ। वो हमारे से सामान लेने के बजाय उल्टा वापस ही चले जाता है कि इतनी स्मेल होती है यहाँ, सब दुकानदारों को प्रॉब्लम है। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह चौहान है और यहाँ बस स्टैंड से कम भी 10 दिन से इतना बुरा हाल है कि यहाँ बदबू से ठहरा नहीं जा रहा है। लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है, जो भी पैसेंजर आ रहे हैं, कोई बसों से उतर रहे हैं, वो जैसे सामान लेना है बस स्टैंड पे, वो सामान लेने की बजाय पीछे जा रहे हैं। हमने कई बार इनको सुझाव दिया था नगर निगम को कि भाई यहाँ से इस डस्टबिन को हटा दिया जाए और दूसरा डस्टबिन जो पहले पुराने डस्टबिन थे वो बढ़िया थे। जी मेरा नाम लाली है और मैं यहाँ पर आता हूँ बस स्टैंड में कटिंग करानी होती है। यहाँ बड़ी बदबू फैलाई रखी है और यहाँ तो मीट की दुकानें भी है, इसकी भी गंद फैला रखा है। इन्होंने अरे जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसका सफाया किया जाए, यहाँ गाहक का खड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ लोग बहुत आते हैं, यहाँ पर बड़ा मुश्किल है, ऐसे किसी भी कस्टमर का खड़ना यहाँ बड़ा मुश्किल है। लंबे समय से कृषि बीज, खाद व दवाइयों के कारोबार से जुड़े विक्रेताओं के लिए केंद्र सरकार व कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद किसानों को डायरेक्टर समिति बशोबरा व डॉक्टर अश्विनी दत्ता द्वारा प्रमाण पत्र सौंपे गए। डॉक्टर दत्ता ने बताया, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर सर्विस फॉर इनपुट्स डीलर के तहत प्रशिक्षण प्राप्त सभी पुराने विक्रेता अब अपने पुराने सभी लाइसेंस बे रोक टोक रिन्यू करवा सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया, अभी तक कुल मंडी जिला में 80 इनपुट डीलर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और 40 लोगों का अन्य बैच सुंदर नगर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। जो जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग किया, साल भर जो जितने सी डीलर मंडी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए हमने गवर्नमेंट ने सरकार ने केंद्र सरकार ने एक साल का डिप्लोमा जो है जरूरी कर दिया गया है। एक बैच जो हमारा पिछला निकला है, ट्रेनिंग इसलिए जरूरी कर दिया है कि जितने भी बीज विक्रेता हैं, जितने भी सी डीलर हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में, उनको गाइड किया जाएगा कि वो अच्छी तरह से बीज की पहचान कर सके, कौन बीज जो है किस लोकेलिटी में लगना चाहिए, कि कौन सी वैरायटी होनी चाहिए और उनके नॉलेज होना चाहिए। हर किसान को जो विक्रेता है, जो बीज बेच रहा है, उसको नॉलेज होना चाहिए कि किसी किसान को कोई गलत चीज़ नहीं जाए, गलत कोई दवाई नहीं जाए, कोई गलत कोई खाद नहीं जाए,
ऐसी कोई दवाई जिससे गलत प्रभाव पड़ जाए, और इस तरह का प्रोग्राम जो हमेशा चलते रहने की बहुत अच्छी स्कीम जो किसान भाइयों के लिए चलाई है, किसान को नॉलेज देंगे। वो जैसे कभी कभी ऐसा होता है गाँव के किसान आते हैं अनपढ़ होते हैं, बेचारे को नहीं पड़ता होता, तो सरकार ने जरूरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया है कि उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए कि जो बीज भी रहता है जाके जो है वो गलत बीज ना जाए उनके हाथों। तो इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो केंद्र सरकार का, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है केवल बीज विक्रेताओं के लिए है। पिछला एक बैच निकल चुका है हमारा, एक बैच जो है सर्टिफिकेट वगैरह उनको दे दिए हैं, वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। एक बैच जो है ये पहले हो जाना चाहिए था हमारा कार्य जो है सर्टिफिकेट का, परंतु कोविड की वजह, कोविड जो बीमारी जो पूरी दुनिया में फैली, इसकी वजह से हम लेट हो गए। और पूरी इसने नहीं इंडिया में नुकसान हुआ, पूरी दुनिया में नुकसान हुआ, पूरी अर्थव्यवस्था टप, फिर भी कृषि के क्षेत्र में जो है हमारा किसानों का जो बड़ा योगदान रहा, सब किसानों की बड़े दिल्ली और बॉम्बे तक जो है सब्जियाँ जाती रही, इन्होंने काम किया खेतों में अच्छी तरह से बाकी जैसे आप सुनते हैं, हमारे किसान भाई सुनते हैं, हम बार रेडियो भी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो नरेंद्र भाई मोदी जी हमारी सरकार जो है मोदी साहब जी बोलते हैं कि किसान की आय जो है 2022 में डबल होनी चाहिए, बार बार बोलती है। तो ये डबल इसलिए होगी जब किसान की जो है अच्छी तरह से बीज आएगा, अच्छी तरह से खाद जाएगी, उसका अच्छा नॉलेज होगा, तब जो है उनको जो है हम जो है हमारी आय डबल हो सकती है। और दूसरा प्रोग्राम, दूसरा इन्होंने ZBMF कर दिया है, हमारे राज्यपाल जी थे पिछले।